है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, यानी कि जो स्टेट के, क्योंकि 25 मार्च 1951 को जो असम स्टेट बना था तो उसके बाद जो लोग वहाँ रह रहे थे उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार पे उनको उस स्टेट की सिटीजनशिप दी गई थी। तो क्या हम सरकार से जानना चाहते हैं 1971 के बाद वहाँ पे सरकार नहीं बनी, वोट नहीं डले, क्या वहाँ पे उन लोगों जो 1971 के बाद रह रहे हैं क्या उन लोगों ने वहाँ की सरकार के या वहाँ के कानून के दायरे में रह के कौन से काम नहीं किए, या वहाँ के लोगों ने एजुकेशन नहीं ली, या वो लोग नौकरी नहीं कर रहे? जब सारे काम हो गए हैं तो वो NRC से बाहर क्यों? बड़ा मामला है। अगर वो NRC से बाहर है तो इसका मतलब है कि ये सरकार इस देश में तानाशाही कर रही है। तो तानाशाही का मतलब है कि लोकतंत्र का खत्म होना। तो लोकतंत्र का खत्म होने का मतलब है कि इस देश में 1950 से पहले जो छुआछूत, भेदभाव, जो लोगों के साथ छूत अछूत जो होता था, उसी चीज को ये सरकार लाना चाहती है। क्योंकि लोकतंत्र के दायरे में समानता सभी को बराबर अधिकार है, तो बराबर अधिकार तो मिल नहीं रहे। क्योंकि 19 लाख लोगों को ही क्यों इन्होंने NRC के बाहर किया? मामला 19 लाख लोगों को ही क्यों इन्होंने बाहर किया? और उसमें भी स्पेशल शेड्यूल कास्ट के लोगों को इन्होंने बाहर किया। इसका मतलब है कि ये सरकार जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग हैं, उनको ये भैया दे रहे हैं ना सामने NRC से बाहर करके, और इस देश के लोगों को आपस में लड़ा के इस देश में हिंसात्मक माहौल पैदा करना चाहती है। तो ये डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बिल्कुल विरोध है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये लोग किसी को बोलने नहीं देते, अगर कोई आवाज़ उठाता, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे असम से लोग आए हुए हैं, वो अपने अपने हक के लिए लड़ने आए हुए हैं, लेकिन हमारे लोग को हक के लड़ने के लिए कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे हमारे लोग लड़ने हैं, उनको कहा जा रहा है कि तुम बोल नहीं सकते। इनको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के तहत, संविधान में आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अगर उसको आवाज़ उठाने से रोका जाएगा तो ये भी कानूनन जुर्म है, और इसका भी संविधान के अंदर समाधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को आवाज़ उठाने से रोकता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर हो सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। तो ऐसे कोई किसी की आवाज़ को नहीं उठा सकता, क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। यहाँ पे कोई शौक नहीं है किसी को आने का, क्योंकि जो सरकार संविधान के विरोध में जाके फैसले ले रही है, तो सरकार इससे ये साबित होता है कि सरकार भी संविधान के विरोध में काम कर रही है। तो ये मामला बहुत बड़ा है। आज 19 लाख लोगों ने उन्होंने NRC से बाहर किया है। हम कहना चाहते हैं पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कि आज अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो आज असम में 19 लाख लोगों को इन्होंने NRC से बाहर किया था। आने वाले समय में ये लोग पूरे देश में किसी भी स्टेट में किसी की विरासत तक खत्म, क्योंकि ये सरकार EVM के द्वारा चुनी गई सरकार है और EVM में घोटाला है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 8 अक्टूबर 2013 की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रंजन गोगोई, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने EVM के खिलाफ 4 सबूत जो ठोस पेश किए थे उसका सबूत कोर्ट में पेश है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं रंजन गोगोई जी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि तुम्हारे खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है कि EVM में गड़बड़ है, तो आप इसके बारे में आके जवाब दीजिए। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कहता है कि मैं होमवर्क करके नहीं आया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग का वकील, चुनाव आयोग जो बहुत ही विश्वसनीय एक विभाग है, जो जिसके ऊपर लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है, उसका वकील कहता है कि वो होमवर्क करके नहीं है। इसका मतलब है कि उनको डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से कोई लेना देना है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र की सुरक्षा करना नहीं चाहते। तो ये जो EVM से चुनी हुई सरकार है, ये घोटाले की सरकार है, क्योंकि EVM ने वोट का अधिकार ही खत्म नहीं किया है, EVM ने क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दिया है। अगर आज हम देश में देखना चाहें तो साहब काशीराम ने जो इस देश में बाबा साहब को जिंदा किया, जो उन्होंने दोबारा से इस देश में जो है बहुजन समाज, जो SC ST OBC के लोग हैं, जो बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के आधार पर प्रतिनिधित्व का मामला दिया था, वो
साहब कांसीराम ने दोबारा से देश में जिंदा किया और ऐसे ओबीसी के लोग इस देश में दोबारा से आगे निकल के आए और वो नेता बने जैसे कि लालू प्रसाद यादव है। लेकिन मामला यहाँ पे ये उठता है कि इन्होंने हमारे जो बहुजन समाज के नेता है, जो लीडर है, उस लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। हरियाणा में जाएं तो इनेलो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, लालू जी को जेल में डाला हुआ है और ऐसी कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हमारी हैं जो लीडरशिप में उठ के मामले में सामने आई, लेकिन इन्होंने उन पार्टियों को ख़त्म कर दिया। तो ईवीएम के द्वारा चुनी गई सरकार जब संविधान के विरोध में काम कर रही है तो वो संविधान के विरोध में फैसले भी ले सकती है और ये सीधा साधा ये हमारे सामने बिल्कुल प्रूव हो चुका है। जो इन्होंने 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया है, इससे साबित होता है कि इन्होंने इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं उनको इन्होंने संविधान के विरोध में जाके जानबूझ के, मैं तो कहूँगा कि जानबूझ के इनको एनआरसी से बाहर किया, क्योंकि 1971 के बाद ये मामला क्यों उठा। जो लोग पहले रह रहे हैं उनके पास सबूत है, उनके पास वहाँ का राशन कार्ड है, उनके पास सबूत है, इन्होंने वहाँ के कुछ लोग के घर जला दिए। तो ये सरकार जो है बिल्कुल इस देश में मनुष्यवृत्ति को लागू करना चाहती है, इनका संविधान के तहत काम करने का कोई। ये देखिए ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स है 64 का, ये 64 का डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इन्होंने 1971 के बाद जो लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।